today I'm going to cover one of the most important topic, post-humanism and its literary implication. Dear students, आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ पोस्ट ह्यूमनिज्म जो थ्योरी है वो क्या है और इसके क्या लिटरेरी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, ये सब आज की शॉर्ट सी वीडियो में डिस्कस होने वाला है. शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को कवर कर लेते हैं. पोस्ट ह्यूमनिज्म जो है एक फिलासफिकल और कल्चरल मूवमेंट है जो बेसिकली ट्रेडिशनल ह्यूमन सेंटर्ड को जो है वो चैलेंज करता है, यानी ये एक्सप्लोर करता है बाउंड्रीज ह्यूमन टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट के दरमियान जो बाउंड्रीज हैं उसको एक्सप्लोर कर रहा होता है. यानी इंसान का टेक्नोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है, इन्वायरमेंट पे वो कैसे एग्जिस्ट करता है, क्या रिलेशन है, और ये बेसिकली एम्फसाइज करता है इंटरकनेक्टनेस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. तमाम फॉर्म्स ऑफ लाइफ के साथ ही इंटरकनेक्टेड होता है और ये क्वेश्चन करता है सेंटर, यानी इसका सेंटर क्या होता है, ह्यूमन एक्सपीरियंस के एक दुनिया के अंदर इंसान का क्या एक्सपीरियंस है. यानी इस थ्योरी का, इस मूवमेंट का सेंटर क्या है, ह्यूमन है, इंसान है. यानी इंसान के कैसे एक्सपीरियंस है दुनिया के अंदर, इस सब के ऊपर डिबेट करता है. सो पोस्ट ह्यूमनिज्म इन सिंपल ये एक फिलासफिकल और कल्चरल मूवमेंट है जो कि ह्यूमन को, वो ट्रेडिशनल ह्यूमन को, उनके प्रॉस्पेक्ट को चैलेंज कर रहा है. अब हम इसके की लिटरेरी इम्प्लीकेशन को देख लेते हैं. फर्स्ट हमारे पास क्या है, डिसेंटरिंग द ह्यूमन सब्जेक्ट शिफ्ट इन प्रॉस्पेक्ट्स. जो ट्रेडिशनल ह्यूमनिज्म है ये बेसिकली ह्यूमन एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, यानी इसके अकॉर्डिंग जो ह्यूमन है वो यूनिवर्स के सेंटर में है, जो कि एम्फसाइज करता है ह्यूमन की रीजन को, ऑटोनॉमी को, सुपेरियर मतलब कि इंसान के नज़दीक सुपर चीज़ क्या है, उसकी सुपेरियरिटी क्या है. पोस्ट ह्यूमनिज्म जो है ये डिसेंट्रलाइज करता है ह्यूमन सब्जेक्ट को, यानी जो थ्योरी है वो पोस्ट ह्यूमनिज्म है, यानी ह्यूमनिज्म के बाद. सो ये जो ह्यूमन ह्यूमन सब्जेक्ट है उसको डिसेंटर करता है. यानी पहले जो ह्यूमनिज्म की थ्योरी है इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन, मतलब ह्यूमन को सेंट्रलाइज कर रहा है. पोस्ट ह्यूमनिज्म यानी ह्यूमन के बाद, यानी ह्यूमन को डिसेंट्रलाइज कर रहा है. अगर हम लिटरेरी इंप्लीकेशन देखते हैं तो ये क्या करते हैं, ह्यूमन को डिसेंट्रलाइज कर रहा है, ह्यूमन के सब्जेक्ट को डिसेंट्रलाइज कर रहा है. ह्यूमंस को इक्वल फुटिंग विद अदर लाइफ फॉर्म्स एंड इवन मशीन्स, कि इंसान को किसके इक्वल है, इंसान मशीन के इक्वल, ये इंसान को मशीन के इक्वल समझा जाता है. और ये दिस शिफ्ट इज़ रिफ्लेक्टेड, और यही चीज़ जो है हमें कहाँ पर नज़र आई, लिटरेचर के अंदर नज़र आई कि ह्यूमन जो है वो एक एलिमेंट है कम्प्लेक्स वेब और ऑफ एग्जिस्टेंस की में, एक क्या है, एक एलिमेंट्स है. यानी जो ह्यूमन है और नॉन ह्यूमन है ये क्या है, इक्वल है. ह्यूमन इज़ लाइक अ मशीन. सो ये फर्स्ट इम्प्लीकेशन है डिसेंट्रलाइजिंग ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट या टू ह्यूमन सब्जेक्ट शिफ्ट इन प्रॉस्पेक्ट्स. सेकेंड हमारे पास है करेक्टराइजेशन. इन जो करेक्टर्स हैं पोस्ट ह्यूमनिस्ट लिटरेचर के वो क्या कहते हैं, मे नॉट बी ह्यूमन, ये हो सकता है कि इंसान ना हो, या मे बी हाइब्रिड हो, जैसे कि साइबोर्ग्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन ट्रेट्स या कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. ये सारे सारे किस चीज़ के करेक्टराइजेशन में आ जाते हैं, ये तो जो है वो ये पोस्ट ह्यूमनिस्ट जो है ये हो सकता है कि ह्यूमन ना हो, यानी ये कोई मशीन भी हो सकती है, हाइब्रिड हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, ह्यूमन लाइक ट्रेट्स हो सकती हैं इसके अंदर. सो ये रिफ्लेक्ट करता है बेसिकली ब्लेंडिंग और बाउंड्रीज बिटवीन ह्यूमन और नॉन ह्यूमन के दरमियान जो ब्लेंडिंग है और बाउंड्रीज हैं उनको जो है वो रिफ्लेक्ट करता है. यानी ये क्वेश्चन करता है व्हाट इज़ मीन टू बी ह्यूमन, कि इंसान का मतलब क्या है, यानी जो वर्ड इंसान है ह्यूमन है इसका क्या मतलब है. तो ये हमारे पास हो गया इसकी, यानी डिसेंट्रलाइजिंग द ह्यूमन सब्जेक्ट शिफ्ट इन प्रॉस्पेक्ट की करेक्टराइजेशन. इसके बाद सेकंड जो एस्पेक्ट है वो हमारे पास क्या है, टेक्नोलॉजी इंटेग्रेशन एंड इट्स इंपैक्ट. कि पोस्ट ह्यूमनिज्म जो है वो क्या एक्सप्लोर करता है, इंप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रेशन, टेक्नोलॉजी की इंटेग्रेशन, यानी ह्यूमन बॉडी और माइंड के साथ एक टेक्नोलॉजी कैसे इंटेग्रेट करता है, और ये पोस्ट ह्यूमनिज्म जो है एक्सप्लोर कर रहा है. इन लिटरेचर के अंदर ये फ्रिक्वेंटली जो है वो रिप्रेजेंट, जैसे कि साइबोर्ग्स हो गए या एआई कैरेक्टर्स हो गए, इन जो कि नोशन ऑफ ह्यूमन सुपीरियरिटी को जो है वो चैलेंज कर रहे होते हैं, क्वेश्चन करते हैं नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस को, आइडेंटिटी को, मोरालिटी को, इनके ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं. सो ये हमारे पास जो है क्या है, टेक्नोलॉजी इंटेग्रेशन, के टेक्नोलॉजी के माइंड के साथ, इंसान के माइंड के साथ क्या इंटेग्रेशन है, वो कैसे इंटेग्रेट करता है, जिसकी वर्चुअल रियलिटीज़ हो गई, एडवेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी हो गई. पोस्ट ह्यूमनिस्ट जो है लिटरेचर जो है वो क्या एक्सप्लोर करते हैं, वर्चुअल रियलिटीज़, डिजिटल वर्ड्स, जहाँ पे जो लाइंस हैं वो फिजिकल और डिजिटल के दरमियान क्या है, बेसिकली लाइंस हैं, यानी रियल और आर्टिफिशियल के दरमियान लाइंस हैं, जो कि लाइंस जो है वो ब्लर होती जा रही है. ऐसा क्यों, क्योंकि ह्यूमन जो है वो टोटली डिपेंडेड है डिजिटल के ऊपर,
यानी बहुत सारे वर्क जो हैं वो डिजिटल के ऊपर, मशीनरी के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी जो काम पहले इंसान कर सकते हैं, ह्यूमन बींग से लिए जाते, वो अब मशीनों से लिए जा रहे हैं। सो ये बेसिकली जो इनके दरमियान पहले गैप होता था, जो एक डिफरेंस होता था, वो डिफरेंस जो है वो क्या हो रहा है, ब्लर हो रहा है। सो ये वर्चुअल रियलिटीज़ हैं बेसिकली, यानी टेक्नोलॉजी इंटेग्रेशन और इसके इम्पैक्ट क्या है। थर्ड जो हमारे पास इम्प्लीकेशन है वो है इन्वायरमेंटल कंसर्न, जो इको क्रिटिसिज्म, यानी जो पोस्ट ह्यूमनिज्म है ये क्लोजली रिलेटेड है इको क्रिटिसिज्म के साथ। यानी जो इको क्रिटिसिज्म से वो क्या कहते थे कि ह्यूमन इम्पैक्ट, इंसानों का क्या असर है, इम्पैक्ट क्या है इन्वायरमेंट के ऊपर। और ये एडवोकेट करता है सस्टेनेबल इंटरकनेक्टेड व्यू लाइफ ऑन अर्थ। लिटरेचर के अंदर हम ये देखते हैं ये वर्क क्या एम्फसाइज कर रहा होता है, इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट एंड नॉन ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स, कि इन्वायरमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है और नॉन ह्यूमन की क्या इंपॉर्टेंस है। और इस थ्योरी के अंदर भी वही चीज़ है कि नॉन ह्यूमन की क्या इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा एंथ्रोपोसिन लिटरेचर अगर हम देखें तो पोस्ट ह्यूमनिस्ट जो लिटरेचर थे, लिटरेचर है ये बेसिकली एंथ्रोपोसिन एरा को भी एक्सप्लोर करता है। यानी ह्यूमन एक्टिविटी जो है ये डोमिनेंट इन्फ्लुएंस है क्लाइमेट और इन्वायरमेंट के ऊपर। यानी इंसान की एक्टिविटी जो है वो डोमिनेंट है, यानी एक असर रखती है क्लाइमेट के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर। और ये क्वेश्चन उठाता है किसके मुतालिक, फ्यूचर ऑफ बोथ ह्यूमन और नॉन ह्यूमन लाइफ के ऊपर जो है वो क्वेश्चन को भी रेज करता है एंथ्रोपोसिन लिटरेचर। सो जो एंथ्रोपोसिन लिटरेचर या पोस्ट ह्यूमनिस्ट जो थे वो बेसिकली इसके ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं, जो हमारे पास ह्यूमन है और ना ह्यूमन लाइफ है उसके ऊपर क्वेश्चन रेज करते हैं। इन्वायरमेंटल कंसर्न के बाद है इथिकल और मॉरल क्या क्वेश्चंस हैं। ये जो है रीडिफाइन करता है इथिक्स को, यानी पोस्ट ह्यूमनिज्म जो है ये बेसिकली ट्रेडिशनल इथिकल फ्रेमवर्क्स को जो है वो चैलेंज कर रहा है, जो कि प्रायोरिटाइज करता है ह्यूमन के वेलफेयर को। और इसके अलावा इन लिटरेचर के अंदर जो मैनिफेस्ट है नैरेटिव्स, जो कि एक्सप्लोर करता है राइट्स ऑफ नॉन ह्यूमन एंटिटीज की राइट्स को एक्सप्लोर कर रहा है, जैसे कि एनिमल्स हो गए, रोबोट्स हो गए, इवन कि इकोसिस्टम है, इनका क्या रोल है, क्या राइट्स हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं। इस थ्योरी के अंदर एक्सप्लोर किया गया यानी क्वेश्चन द इथिक्स ऑफ ह्यूमन एक्शंस फ्रॉम अ नॉन ह्यूमन प्रॉस्पेक्ट्स, नॉन ह्यूमन प्रॉस्पेक्ट से ह्यूमन एक्शन के ऊपर जो है वो क्वेश्चन भी किए गए थ्रू आउट दिस थ्योरी। यानी पोस्ट ह्यूमन आइडेंटिटी की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी जो है वो सेंट्रल था। यानी सेंट्रल इस थ्योरी का सेंट्रल क्या है, वो पोस्ट ह्यूमन आइडेंटिटी है। यानी ये जो हमारे पास थ्योरी है ये एक्सप्लोर करता है फ्लूडिटी ऑफ आइडेंटिटी, यानी वर्ड के अंदर जो फ्लूडिटी है, आइडेंटिटी की फ्लूडिटी है, उसको एक्सप्लोर कर रहा है कि जहाँ पर ह्यूमन जो है ये मशीन के साथ इकट्ठी हुई हुई है, मर्ज है, और ये कॉन्शियसनेस को अपलोड कर रहा है जो कि बायोलॉजिकली अल्टर किया जा रहा है, तब्दील किया जा रहा है। और ये बेसिकली चैलेंज करता है ट्रेडिशनल नोशन ऑफ इंडिविजुअली एंड पर्सनल इंटेग्रिटी को। यानी इन सिंपल पोस्ट ह्यूमनिज्म जो एक थ्योरी थी, इसमें जो सेंट्रल चीज़ है वो क्या है, फ्लूडिटी ऑफ आइडेंटिटी है। वर्ड के अंदर फ्लूडिटी ऑफ आइडेंटिटी के ऊपर जो है वो क्वेश्चंस किए गए। इसके अलावा डिकन्स्ट्रक्शन ऑफ बाउंड्री पोजिशंस ह्यूमन वर्सेज नॉन ह्यूमन्स, पोस्ट ह्यूमनिस्ट जो थे या पोस्ट ह्यूमनिज्म जो है ये डिकन्स्ट्रक्ट करता है बाउंड्री पोजिशन इंसानों और जो नॉन ह्यूमन है, ह्यूमन और नॉन ह्यूमन के दरमियान जो बाउंड्री पोजिशन है उनको डिकन्स्ट्रक्ट करता है। यानी एम्फसाइज करता है कंटिन्यूटी बिटवीन ह्यूमन एनिमल्स मशीन, जो दूसरी एंटिटीज हैं इनके दरमियान जो कंटिन्यूटी है उसको भी एम्फसाइज कर रहा है। लिटरेचर के अंदर ये बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है नैरेटिव्स जो कि बेसिकली ब्लर बाउंड्रीज ब्लर है ब्लर करता है बाउंड्रीज और चैलेंज कर रहा होता है ट्रेडिशनल हायरार्की को, जो कि प्लेस ह्यूमन अबव ऑल एल्स। यानी ह्यूमन और नॉन ह्यूमन के दरमियान जो एक लाइन थी, एक जो लाइन है उसको क्या कर दिया गया है, ब्लर कर दिया गया है थ्रू आउट दिस थ्योरी। बेसिकली पोस्ट ह्यूमनिस्ट जो थे वो बाउंड्री पोजिशन को क्या करते हैं, डिकन्स्ट्रक्ट करते हैं ह्यूमन और नॉन ह्यूमन के अंदर। नेचुरल वर्सेज अगर आर्टिफिशियल की बात करें, सिमिलरली जो पोस्ट ह्यूमनिस्ट लिटरेचर थे ये क्या एक्सप्लोर करता है, क्वेश्चन करता है डिस्टिंक्शन बिटवीन नेचुरल और जो आर्टिफिशियल वर्ल्ड है उसके दरमियान फर्क के जो है उनके दरमियान क्या डिस्टिंक्शन है, उसके दरमियान क्या डिफरेंस है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन उठा रहा है। और ये एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं और इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एक दूसरे को। यानी अगर देखा जाए तो ह्यूमन बीइंग की लाइफ के ऊपर, इंसानों की लाइफ के ऊपर टेक्नोलॉजी का बड़ा इन्फ्लुएंस है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, बहुत ज़्यादा असर रखता है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़ को टेक्नोलॉजी कहीं कहीं डिस्टर्ब कर रही है, कहीं कहीं उन एक्टिविटीज़ को जो है वो इन्हेंस भी हो रही हैं थ्रू आउट द टेक्नोलॉजी। सो ये डिकन्स्ट्रक्शन ऑफ बाउंड्री ऑपोजिशन जो है ये किसने डिकन्स्ट्रक्ट किया, बाउंड्री ऑपोजिशन ह्यूमन वर्सेज नॉन ह्यूमन, नेचुरल वर्सेज आर्टिफिशियल, किसने डिकन्स्ट्रक्ट किया, वो ह्यूमनिस्ट पोस्ट ह्यूमनिस्ट ने जो है वो डिकन्स्ट्रक्ट किया।
सो अगर हम कंक्लूजन बात करें तो ओवरऑल इस थ्योरी में क्या था कि पोस्ट ह्यूमनिज्म जो एक लिटरेचर के अंदर है, ये बेसिकली बाउंड्रीज ऑफ ट्रेडिशनल ह्यूमनिस्ट थॉट्स की बाउंड्रीज को पुश कर रहा है, रीडर को इनकरेज कर रहा है, उनको रिकंसीडर कर रहा है कि प्लेस ऑफ ह्यूमन, कि इंसान की क्या प्लेस है दुनिया के अंदर, नेचर ऑफ आइडेंटिटी के ऊपर डिबेट कर रहा है, इथिकल इंप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर डिबेट कर रहा है, इन्वायरमेंटल चेंज के ऊपर डिबेट करता है। इसके अलावा ये रिफ्लेक्ट करता है कम्प्लेक्सिटी, यानी हमारे वर्ल्ड और जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है टेक्नोलॉजी का हमारे वर्ल्ड के ऊपर, इन्वायरमेंटल कंसर्न के ऊपर, और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है कि व्हाट इज मीन टू बी ह्यूमन, कि इंसान क्या है, इनके ऊपर जो है वो क्वेश्चंस किए गए या डिबेट किए गए थ्रू आउट दिस थ्योरी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी पोस्ट ह्यूमनिज्म थ्योरी। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।